नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। साल 2020 की शुरुआत के देश और दुनिया जब कोरोना काल से लड़ने की तैयारी में जुटी थी, तब बीते साल 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 135 करोड़ देशवासियों से अपील की गई थी कि पीएम मोदी की इस अपील का असर ये हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसरा था। शहर हो या गांव, सोसाइटी हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही था। आज इस जनता कर्फ्यू को पूरा एक साल हो गया है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आती जा रही है। रविवार को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब, गुजरात, दिल्ली, यूपी और अन्य कई राज्यों में भी हालत बेकाबू हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 823 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन 800 ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं रोजाना के नए आंकड़ों में मामले में ये संख्या 25 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में संक्रमण दर 1% से अधिक बरकरार है। वहीं एक्टिव मरीज बढ़कर 3,618 हो चुके हैं। सिर्फ मार्च में 2,200 से ज्यादा एक्टिव मरीज बढ़े हैं। यही नहीं, दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ साथ रिकवरी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में 24 घंटे के भीतर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 200 से अधिक बढ़ गई है। भाजपा ने बंगाल चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को किसी और ने नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जारी किया। अब इसी बात को मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुजराती बनाम बंगाली का एंगल देना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को गुजराती मैनिफेस्टो कहा है और कहा है कि भाजपा को अपने घोषणा पत्र जारी करने के लिए बंगाल में स्थानीय लोग नहीं मिले हैं, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए गुजरात से लोग बुलाए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के दावे के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के सुझाव को पूर्व आईपीएस अफसर जूलियो रिबेरो ने खारिज कर दिया है। दरअसल पवार ने रिबेरो से गृह मंत्री अनिल देशमुख और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे मामले की जाँच कराना चाहते थे। पश्चिम बंगाल विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों वाले राज्यों तक मौसम में अचानक करवट ले ली है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली के साथ कई राज्यों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में भोपाल के अयोध्या नगर में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। घटना उस समय की है जब ये लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय आरोपी वहां आया। उसने किसी बहाने से लड़की को कूड़े के कंटेनर के पास भेज दिया और वहां से उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। लड़की ने अपनी नानी को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद मामला पुलिस थाने पहुंच गया। एक तरफ जहां कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से वापसी कर रही है, वहीं वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं पहुंच सकी है। वहीं कई देशों में भारत के साथ कुछ देशों की भेजी वैक्सीन से टीकाकरण शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन का इंतजार है ताकि महामारी से सुरक्षा और मजबूत किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर यूरोप के देशों में अलग ही जंग का नजारा देखने को मिल रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया है कि ईरान अमेरिका की राजधानी में स्थित फोर्ट मैकनायर यानी आर्मी बेस पर हमला करना चाहता था, साथ ही आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ की हत्या करना चाहता था। वहीं अमेरिकी सेना के अधिकारियों के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करने पर पता चला है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी आर्मी अमेरिका के आर्मी बेस पर शैली में हमला करना चाहते थे। जो हमला साल 2002 में यमन के एक पोर्ट पर किया गया था, जिसमें 17 जवानों की मौत हुई थी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के पूर्व चेयरमैन जाका अशरफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को दोबारा शुरू करने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012 से 13 में हुई थी। उस वक्त जाका अशरफ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जाका अशरफ दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जिन्ना गांधी ट्रॉफी के आयोजन के विचार को दोहराया। अशरफ के मुताबिक उन्होंने पीसीबी का चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने इस नाम से सीरीज का सुझाव दिया था। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपने बयानों से चर्चा में तो रहती ही हैं, उनके काम की तारीफ भी करने वाले की कमी नहीं है, खासकर उनकी एक्टिंग और लुक की। कंगना रनौत की 23 मार्च को जयललिता पर बन रही बायोपिक का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इस फिल्म को लेकर कंगना लंबे समय से चर्चा में हैं। इस बीच ट्रेलर आने से पहले कंगना की एक फोटो जारी की गई है जिसमें वो हूबहू जयललिता की तरह दिख रही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।